हेलो एवरीवन, सीईआई टीम आपण मानक पय नै आसी अन्य एक डेमो क्लास क्लास टी होची जियोग्राफी रो एंट्रेंस ओटेट पय माने ओटेट एंट्रेंस पय आमे आपण को किछि कोचिंग देबो प्रिपेयर करैबो। क्लास आपणकर स्टार्ट हेबो डिसेंबर 1, 2020 ठरो। किपरि भाबरे आपणकर पढा हेबो देखि नियंतु। वीडियो क्लासेस मिलिबो आपण को, पीडीएफ नोट मिलिबो जहा कि प्रिंटेड भी होई पारे बा हैंड रिटन भी होई पारे। डाउट सेशन जहाँ भी आपणकर क्वेरीज रहुची डाउट रहिबो पढ़ेबा टाइम रे बा पढ़ीबा टाइम रे आपण डाउट सेशन रे निजरो डाउट को क्लियर करि परिबे। मॉक टेस्ट रहिबो जहाँ भी सिलेबस आपणकर गवर्नमेंट प्रोवाइड करिछंती सेही चैप्टर पढ़ी सारिबा परे प्रत्येक गोटे गोटे सिंगल सिंगल चैप्टर रो टेस्ट नेबो। देन आपणकर वीकली टेस्ट गोटे वीक रे ओवरऑल आपणको जहाँ भी किछि पढ़ा हेचे से सब रो गोटे टेस्ट नबो जहाँ द्वारा कांसेप्ट सह आपणकर रिपीटेडली भाबरे टच रहिबो एवं आपणको माइंड रे गोटे इमेज सेट होइजिबो आंसर्स रो। सो आपणकर फी देखि नियंतु। पेपर 1 जे जो माने जॉइन हबाको चाहौचंती फी रहिबो 799 रुपीस ओनली। एंड पेपर 2 रे जो माने जॉइन हबाको चाहौचंती फी रहिबो 999। बोथ पेपर रे जो माने जॉइन हबा को चाहौचंती फी रहिबो 1499। ठीक अछि, तबे चलंतु आमे क्लास आरंभ करबा। एहा पूर्वरु देखि नियंतु केउ आपणकर ट्यूटर केउ क्लास देबे एवं तार टाइमिंग कोन रहिबो। जदि कोनोसी भी आपणको क्यूरियस अछि जॉइनिंग रिलेटेड टॉपिक रिलेटेड देन आपणकर एठी मोबाइल नंबर गिवन करा जाय छि दिया जाय छि आपण कांटेक्ट करी निजर डाउट क्लियर करि परिबे। जहाँ भी आपणकर डाउट रही जाऊँगी आपण यही नंबर रे कॉल करी निजर डाउट क्लियर करें। चलन देखिबा आपणकर जियोग्राफी चैप्टर को मु हैंडल करी आपणकर ओटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ पेपर रे जियोग्राफी पार्ट जहाँ भी आपणकर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस साइंस एहा सह जियोग्राफी आपणकर इनक्लूड अछि। सही जियोग्राफी पार्ट आपणकर हेउछि फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया एंड ओडिशा बोथ पेपर रे। देन यार किसी सब टॉपिक से देखिए यह आपणकर सिलेबस रे ही गिवन अच्छे आम आनु जहाँ सिलेबस रे गिवन अच्छे आम ताको प्रिपेयर करेबो। लैंडस्केप क्लाइमेट नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यही बातिक टॉपिक आपणकर सिलेबस रे मेंशन अच्छे। तबे देखंतु वर्तमान पर्यंत आम जियोग्राफी बा भूगोल को केमिति पढ़ुले बुक रो बायहाट करबा को घोसिबा को चेष्टा करथले जहाँ द्वारा कि भूगोल इतिहास ए सब आम पई गोटे इरिटेट बा इंटरेस्टिंग आम को लागु नथिला खाली घोसा विद्या भले लागुथिला। किंतु आज आम किछि इमेज थ्रो रे परमानेंट आमर नॉलेज को गेन करबा पई पढ़िबा एवं चेष्टा करबा कि जेपर आम घोसा पद्धति रु बाहर को बाहर एवं विजुअल पद्धति द्वारा माने देखि आम जानिबा को चेष्टा करबा। मु पर्टिकुलरली विश्वास करे कि आप गोटे जगह कौन से स्थान विषय से जापरवे जिते पर्यटन आपड़ तर डिटेल्सटा जाणि ना बुझे। फॉर एग्जांपल आपणकर जदि घर एरिया आपण जो एरिया रोचा से एरिया पाखर आपणकर कौन सी एड्रेस जदि कहीं पचारे आप निश्चय कहीदेपारे कहीं आप सब जगह देखी जानते। सो आम जहाँ पढ़ा ये सब लैंडस्केप क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ए सब गुड़िक आम कह पढ़ा ए सब गुड़िक आम पढ़ा इंडिया एवं ओडिशा रो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमको जानिबा को पड़ो कि इंडिया केउठी अछि से भितरे ओडिशा केउठी अछि आमे केउठी अछि। ठीक अछि, जत्ते पर्यंत आम रहिबा स्थान को ठीक से जानि नथिबा आमको पाठ ठीक से बुझा पड़बनी। सो चलो तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट आप टॉपिक आम देखिले कौन कौन अछि। फर्स्ट देखिबा आमे अमर अर्थ माने पृथ्वी पृथ्वी केमिति तयारी पृथ्वी आई मीन पृथ्वी रे कौन कौन अछि। आपणकर पृथ्वी रे 7 महादेश अछि एवं 5 महासागर अछि माने 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन अछि एहार क्षेत्रफल दृष्टि रु जनसंख्या दृष्टि रु मु सीरियली माने केउटी बॉर्डर स्थान एही अनुसार मु आपणको प्रोवाइड करछि। देखि नियंतु आपणकर 7 महादेश हेउछि एशिया महादेश आफ्रिका महादेश उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका माने महादेश ही अंटार्कटिक महादेश एवं यूरोप महादेश एवं शेषे आपणकर किए रोचे ऑस्ट्रेलिया महादेश। ए सब स्थान बड़ क्रम अनुसार मुझे लिखिदेई यार अर्थ सबुठ बड़ महादेश कौन हो एशिया एवं आमे माने भारत
रहुथिबा देशवासी एही एशिया महादेशर अंतर्गत प्रथमे आमे देखि नेबा चलंतु आमर पृथ्वी रे एही सातटी महादेश केउठी अछन्ति। देखंतु ए होछि आमर पृथ्वी। ए पृथ्वी रे जहाँ भी आपणंकु कलरफुल एरिया देखा जाउछि एक्सेप्ट ब्लू कलर से सब होछि आपणंकर सेवन कंटिनेंट्स एशिया कंटिनेंट आफ्रिका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया एवं देखंतु तळे आपणंकर कोन अछि नॉर्थ रे साउथ रे अंटार्कटिका। ठीक अछि एही सातटी महादेश एवं अन्य पांचटी आपणंकर महासागर माने ओशियंस को नेकी आमर एही पृथ्वी गठित। पृथ्वी रे कोन कोन अछि सातटी महादेश एवं पांचटी महासागर। महासागर भितरे कोन कोन अछि देखंतु प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर भारत महासागर उत्तर महासागर एवं दक्षिण महासागर। यही सब महासागर को मध्य चलत आम देख नवा। देखु ये आपणकर एशिया महादेश कलर एवं कलर द्वारा आपण को तार एरिया ता ठीक से देखा देखिदिंतु सबुगुड़ाक महादेश ठारू आपणकर एशिया महादेश अधिक बड़। ठीक अच्छे तेणु ये हूँ आपणकर पृथ्वीर बृहत्तम महादेश सबुठारु बड़ महादेश। एही एशिया महादेश एवं आफ्रिका महादेश ए दुईटी महादेश अतीतरे गोटे स्थल भाग माने शेयर करुथिले सेमानकर गोटे बाउंड्री लागिथिला बट स्वेज केनाल खोलिबा द्वारा आमर एही एशिया महादेश एवं आफ्रिका महादेश परस्पर ठारु विच्छिन्न होइ जायछन्ती। एवं अन्य महादेश देखि दियंतु एशिया महादेश पाखरे एवं तार वेस्ट नॉर्थ को लागि कि अछि यूरोप महादेश नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका एही सातटी महादेश आपणकर अछि। एहा छडा महासागर गुडी को कोन देखंतु पैसिफिक ओशन अछंती भारत महासागर देखंतु इंडियन ओशन अछि आर्कटिक ओशन अंटार्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक पैसिफिक ओशन एहीपरि सब आपणकर पांचटी ओशन्स अच्छी माने महासागर आपणकर रहिछि। आपण एही इमेज रु बुझिबा को चेष्टा करंतु आपणकर पृथ्वी बा अर्थ रे सातटी महादेश एवं पांचटी महासागर एही समस्त महासागर एवं महादेश को नै आम पृथ्वीटी गठित। तेबेठि आपण देखि पडछन्ति इक्वेटर। इक्वेटर माने कोन आपणकर विषुवत वृत्त समान मध्य स्तर रे बा मझी रे आपणकर कोन गति करछि विषुवत वृत्तटी गति करछि। विषुवत वृत्तटी गति करछि तेबे विषुवत वृत्त कोन द्राघिमा कोन अक्षांश कोन ए सब आमे पूर्व क्लासेस रे माने आपणकु ट्रेनिंग रो एंट्रेंस क्लासेस रे डिटेल्स रे आपणकु प्रोवाइड करथिलु एवं एक्सप्लेन करथिलु बहुत भलसे। आमे चेष्टा करिवो जेहेतु आपणकर ओटे टॉपिक रे नाही बट किछटा टॉपिक रे से आसी जिबारु आपणकर द्राघिमा एवं अक्षांश आमे क्लासेस रे ताकु डिटेल्स रे आपणकु बुझाइ देबो। वर्तमान पई आपण केवल एतिक मने रखंतु जे पृथ्वी एहा होछ आपणकर पृथ्वी। पृथ्वीर दिग मने रखंतु पृथ्वीर दिग नॉर्थ बा आपणकर उत्तर दिग नोट कर दियंतु साउथ बा आपणकर दक्षिण दिग ईस्ट पूर्व दिग एवं वेस्ट पश्चिम दिग। दिग आपणको चारोटी को सबुबेले मन रखिबाको पडिबो जे कोनोसे स्थान हो हेउ से ताहार दिग आपण एमिति ही मन रखिबे उपरको रहिबो नॉर्थ एवं तळको साउथ माने उपरको रहिबो उत्तर तळको दक्षिण तार दक्षिण पार्श्वर रहिबो पूर्व एवं बाम पार्श्वर रहिबो पश्चिम। जदि आमे सेही दृष्टि रु देखिबा ताहाले देखंतु जदि आमे एशिया एशिया को आमे जदि टार्गेट करिबा एशिया को देखिबा एशियार नॉर्थ कोन रहिबो एशियार उपरपट तार नॉर्थ बा उत्तर दिग रहिबो एवं साउथ बा तळपट तार दक्षिण दिग रहिबो एवं बाम दक्षिण पार्श्व तार ईस्ट बा पूर्व दिग रहिबो एवं बाम पार्श्व वेस्ट बा पश्चिम दिग रहिबो। आई होप आपण माने बुझि पडथिबे जे कोनोसी गोटिए स्थानर दिग आपण एही परि भाबरे निरूपित करिबे। आपण वर्तमान देखिले पृथ्वी पृथ्वीरे आपणकर सातटी महादेश एवं पांचटी महासागर एवं ता सह
चारोटी दिग एवं देखु विषुवरेखा आपड़ देखिले मु आख्यांश कौन द्राघिमा कौन केवल गोटे छोटिया उदाहरण छोटिया डेफिनेशन द्वारा आपको कहीदे आप दिग देखिले उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम जो रेखा देखु विषुवरेखा किपर पूर्व एवं पश्चिम को जोड़ी ठीक से हीपरी तापर को आउ गोटे रेखा मध्य अच्छी यह भितर आहरी रेखा अच्छे जी कि पूर्वर पश्चिम दिग आड़ गति करुच्ची ठीक अच्छे पूर्वर पश्चिम दिग को गति करें जो रेखा आपणकर पूर्वर पश्चिम दिग को गति करपर आख्यांश व समाख्य रेखा आख्यांश व समाख्य रेखा ठीक अच्छे एवं सबुठ बड़ आख्यांश व सबुठ बड़ समाख्य रेखा कौन आपणकर विषुव वृत्त ठीक से हीपरी आपणकर उत्तर एवं दक्षिण दिगकु जो रेखा जोड़ू माने उत्तर उत्तर सुमेरु एवं कुमेरु जी दक्षिण अच्छी कुमेरु एवं जो ऊपर अच्छे से हूँ सुमेरु ऊपर सर्वोच्च पॉइंट मुझे आपको नेक्स्ट स्लाइड रे डिफरेंट वीडियो रे देखेबी जोठी कि प्रॉपर्ली आपनको देखा जाउथिबो तबे आपन देखंतु उत्तर रो पूर्व को जो लंबा लाइन आपनकर अछि रेखा लंबी छि से हि जो आपनकर द्राघिमा एवं पूर्व पश्चिम को जोडुथिबा रेखा हेउछि आपनकर कोन आख्यांश बा समाख्य रेखा तेबे एहा आपन मन रखिबाकु पडिबो जे कि आपनकर द्राघिमा रेखा केतोटी अछि अक्षांश रेखा केतोटी अछि ताहा आमे आपनको क्लासेस रे डिटेल्सली बुझेबु बर्तमान आपण एतिकी जानिले कि पूर्वरु पश्चिम को जो एवं एही जो रेखागुड़िक प्रकृत रे आमर भारत उपर नाही केवल पृथ्वी रे थिबा स्थान मानकर समय सेमानकर स्थान ए सबु दिग निरूपण करिबा पई आमे एही सबु रेखागुड़िक माने आख्यांश एवं द्राघिमा रेखागुड़िक काल्पनिक भाबे टणा जायछि ए सबु प्रकृत रे आमर पृथ्वी पृष्ठ उपर नाही ठीक अछि चलो देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखु सर्वप्रथम माने बृहत्तम महादेश आपणकर एशिया महादेश एवं जेहेतु एही एशिया महादेश रे ही आमर भारत रही देखु एशिया महादेश रो जो एही पार्टी आपण को रहिला एही पार्टी ए होची आपणकर भारत माने आमर भारत तेणु आम प्रथम एशिया महादेश विषय पढ़ा एशिया महादेश कौन आपको मन रखा पड़ो सबुठ बृहतम महादेश एवं से ही महादेश अच्छी भारत तो यू आम जना पड़ा कि आम भारत के अच्छी एशिया महादेश पृथ्वीर सतटी महादेश पांचटी महासगर से मध्यर जो एशिया महादेश आपणकर अच्छी सेठे आमर बास मान आम देश पृथ्वी भारत सॉरी भारत चलत पढ़ा एशिया महादेश विषय एशिया महादेश क्षेत्रफल और जनसंख्या दृष्टि पृथ्वीर बृहत्तम कह के दृष्टि जनसंख्या दृष्टि मान लोक मैंने भी अधिक रही क्षेत्रफल भी तहार अधिक मान एरिया क्षेत्रफल मान एरिया अधिक स्वेज केनाल खनन पर आफ्रिका ठारु स्थल भाग में विच्छिन्न हो रही देखनी एही पार्टी आपण देखिपारे पार्टी आफ्रिका एवं एशिया ए दुईटी स्थान मध्य स्थल भाग जॉइंट थिला बट एठू एठारे बा एही स्थान रे स्वेज केनाल खोलिबा द्वारा आपणकर कौन है दुईटी महादेश परस्पर ठारु विच्छिन्न होइगले केउ भागरे स्थल भागरे विच्छिन्न होइगले पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि पामीर देखु एथिरो आपण को आउ गोटे क्वेश्चन मिल जाऊँगी पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि केउटी से कौन हो पामीर पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि पामीर यार केन्द्र भाग पृथ्वीर छात बोली कह जाए कहार केन्द्र भाग एशिया महादेश केन्द्र भाग केन्द्र भाग मान आप जानते जहाँ कि केन्द्र मध्य स्तर में थी एही स्तर में पामीर जी कि उच्चतम मालभूमि सी पामीर मालभूमि थी को कौन कह जाए पृथ्वीर छात बोली कह जाए ताने आपण को डायरेक्ट एटी गोटे टू द पॉइंट क्वेश्चन मिल जाऊँगी पृथ्वीर छात क्या कह जाए एशिया महादेश
आफ्रिका महादेश आंटार्कटिका महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश आपण आंसर कौन हो एशिया महादेश देखु मुझे जहाँ ड्र कर मानने सिंबलाइज करी क्योंठी अच्छी आपन को इंडिकेट करी बर्तमान देखो ये हूँ आप एशिया महादेश एवं यह आफ्रिका महादेश आफ्रिका महादेश एवं यह एशिया महादेश एशिया महादेश क्यों स्थान आम अच्छे बर्तमान एठार आपणकर अगर एक क्वेश्चन आपन को मिल जाऊँगी आपण को क्वेश्चन पचारिपे भारत एशिया महादेश दिगरे अवस्थित मु यही कारण ही प्रथम आपण को दिग एटा कहीदेली आपणकर नॉर्थ कौन उत्तर दिग कौन होपरे तल हो दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम जेकोसी स्थान दिग आप भाव में निर्णय निरूपण करें निर्णय करेंगे उपरपट उत्तर तल रक्षिण आपणकर दक्षिण पार्श्व रूर्व एवं बाम पार्श्व रश्चिम तेब ये आपको क्लीयर कट आंसर मिल जाऊँ आप इंडिया एशिया कंटिनेंट बा एशिया महादेश क्यों स्थान अच्छी दक्षिण में अच्छी आपण को चारोटी ऑप्शन भितर चारोटी दिगर ऑप्शन दे थो चारोटी दिगर ऑप्शन भितर आपण को क्यों ऑप्शन चूज करार अच्छे जो ऑप्शन रे आपण दक्षिण आंसर थी क्लियर दुईट क्वेश्चन आंसर आपगले इवेन तीनोटी कहीं ये आपको पचारदारे पृथ्वीर बृहत्तम महादेश नाम कौन तेबे आप देखिपारे एशिया महादेश कलरफुल पिक्चरटा आप देखु ऑरेंज कलर थी बा एशिया महा ऑरेंज कलर अधिक अच्छी एशिया महादेश जो ऑरेंज कलर अच्छी अधिक अच्छी तेणु आप मन रखिए एशिया महादेश हूँ सबुठ बड़ एवं सबुठ सान कौन तेल सबुठ सान आपणकर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महादेश सबुठ सान नेक्स्ट चलन देखा इंडिया रो आप देखिपारे क्योंठी अच्छी इंडिया एशिया महादेश दक्षिण को अवस्थित यापर आम जानले जे इंडिया क्योंठी अच्छी तो बर्तमान देखा इंडिया विषय टिके गोटे रिकैप करदे प्रथम आम देखिले आम पृथ्वी सातटी महादेश पांचटी महासागर को नहीं गठित से मध्यरु एशिया महादेश सबुठ बड़ सबुठ सान ऑस्ट्रेलिया एशिया महादेश दक्षिण को किए अच्छी आम भारत बर्तमान आम देखा आम भारत अवस्थित विषय भारत एशिया महादेश दक्षिण रे एवं विषुव रेखार उत्तर रे अवस्थित आम सॉरी कि भारत पुणि थरे रिपीट हो जाएछि आपण एटा को काटि दियंतु भारत एशिया महादेश दक्षिण रे एवं विषुव रेखार उत्तर रे अवस्थित वर्तमान विषुव रेखार ऊपर रे काहे कि कुहागला देखंतु मु आपण को कहितली जे कोनोसी स्थान रो जदि आपण को विषुव रेखा को बेस मानिछि आधार मानिछि तबे विषुव रेखार दिग निर्णय करंतु ऊपर पट कोन रहिजिवो उत्तर तळ पट दक्षिण सेहिपरि डाहाण पट पूर्व एवं बाम पट पश्चिम तेबे आपणकर एशिया महादेशटी विषुव रेखार केउं दिगक रहिला उत्तर दिगक रहिला आपण देखि परथिबे तेबे आपणक एमिति मध्ये एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि देखंतु एही होची ओटेट एग्जाम क्वेश्चन्स बहुत डेप्थली आपणक पचारि देथाय बहुत डीपली पचारि थाय सो ईच एंड एवरी डिटेल्स को आपणक पढ़ाक पड़ो आप किसी भी क्विट करें बर्तमान जदि आप देखिए तालोले मुर्स टपिकटा आपन को कहीं कहली जितेबले कि आपणकर तो टपिक्रे सबू कि ना केवल लैंडस्केप नेचुरल गैस नेचुरल रिसोर्सेस आपणकर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ये सब अच्छी ना आपणकर ओटेट बहुत डीपली क्वेश्चन पचारे तो आमको इंडिया एवं ओडिशा विषय पढ़ापाई देखा पड़ा जो ओडिशा क्योंठी अच्छी इंडिया क्योंठी अच्छी ठीक अच्छे एवं एशिया क्योंठी अच्छे से सबुर डिटेल्सटा आपण माइंड रे यहीपर भाव में पिक्चर्स थ्रो रे आपण माइंड रे इमेजटा क्लीयर हो कि आम अर्थ रे एशिया बोली गोटे महादेश अच्छे जी कि सबुठ बड़ से ही महादेश आम देश भारत अच्छी महादेश मान कौन अनेक गुड़े देश को नहीं जो लैंड एरिया आपणकर गठित से हूँ महादेश अनेक गुड़े देश को नहीं जो लैंड एरिया गठित सी हूँ महादेश देखंतु एशिया महादेश आम कंप्लीट करले वर्तमान आम देखा भारत विषय तेणु आपण को सबकि डिटेल्स पढ़ाक पड़ो
एवं आई होप कि यहीपर पिक्चर्स थ्रो रे इमेजेस थ्रो रे देखा द्वारा आपणकर नलेजटा जहाँ भी आप गेन करुँच आपणकर अधिक समय पर रोक इवेन परमानेंट आपण के भूलें एशिया महादेश के अच्छी भारत एशिया के स्थान में रही सब मन रखिए भारत एशिया महादेश दक्षिण में रही। नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट कम्प्लीट विषुवरेखार उत्तर अच्छी केमी मुझे आपको बुझेली समुदाय क्षेत्रफल 3.28 न्यूत वर्ग किलोमीटर 3.28 न्यूत वर्ग किलोमीटर एडा वर्तमान आपको बुझेबाकू ना कि आपणकर निजे ही आपण एठी जानदेवे कि ये इंडिया आमर अच्छी इंडिया क्षेत्रफलटा हूँ 3.28 वर्ग न्यूत किलोमीटर न्यूत वर्ग किलोमीटर। भारत पृथ्वीर सप्तम बृहत्तम देश पृथ्वी रे जिते भी बड़ बड़ देश अच्छा जिते भी बड़ बड़ देश अच्छा से देश में भारत स्थान होउछि सेवेन्थ सेवेन्थ रैंक रे इंडिया आमर अच्छी भारत सप्तम तेज आपण मैंने पचारे कि मैम अन्य माने कौन माने क्यों क्यों माने अच्छा तो प्रथम निजर क्षेत्रफल अनुसार सबुठ बृहत्तम देश बड़ देश होउछि पृथ्वी रूसिया रूसिया पर आपणकर कानाडा ये सब आम आपको पीडीएफ रे कंप्लीट देबू बट मुझक जस्ट इनफर्मेसन प्रोवाइड करदे रूसिया देन ताठ मैंने सबुठ सान आप सेवेन्थ रे किए अच्छी भारत भारत जो आपणकर सतोटी लिस्ट कर सप्तम बृह देश से ही सप्तम हूँ भारत सतोटी बड़ बड़ देश बाहर करम सप्तम स्थान अच्छी भारत प्रथम किए अच्छे रूसिया तापर कानाडा देन युक्तराष्ट्र अमेरिका तापर किए अच्छे चीन देन ब्राजिल देन ऑस्ट्रेलिया एवं सेवेन्थ प्लेस अच्छे आमर भारत बुझिपारे। वर्तमान देखु फोर्थ पॉइंट कर्कट क्रांति यार मध्य भाग दे गति कर देखु कर्कट क्रांति यार मध्य भाग दे गति कर देखिले विषुवरेखा देखते एठू आपन को आहुरी गोटे क्वेश्चन मिल जाए विषुवरेखाटी केउ महादेश दे गति कर तो विषुवरेखा का दे गति कर साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका एवं आफ्रिका ए दुईटी आपण यही चित्र देखिपे कि विषुवरेखा साउथ अमेरिका एवं आफ्रिका ए दुईटी महादेश दे गति कर विषुवरेखा उपरक आपणकर जो आपणकर अक्षांश रेखाटी अच्छी से कौन कर्कट क्रांति बापणकर देखो मैं ये प्रोवाइड कर देछि 1 मिनिट ठीक अच्छे इक्वेटर देखु ये है आपणकर इक्वेटर माने विषुववृत्त जी कि आपणकर दक्षिण अमेरिका एवं आफ्रिका ए दुईटी महादेश दे गति कर रही आपणकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं आप देखिपे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दे गति कर इंडिया सहित ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आफ्रिका को मध्य दे गति कर ठीक अच्छे यहाँ आपणकर कंप्लीटा आफ्रिका ना ए कम्प्लीटा आपणकर कौन ए कम्प्लीट हूँ आफ्रिका महादेश आफ्रिका महादेश दे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने कर्कट क्रांति उपरटा हूँ आपणकर कर्कट क्रांति एवं यह हूँ मकर क्रांति तले कौन अच्छी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न माने कौन मकर क्रांति एवं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माने कर्कट क्रांति यही इमेज रु आप क्लीयर हो पारे कि किपर भाव में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर माने कर्कट क्रांति आपणकर भारत दे गति कर ठीक अच्छे एवं जदि मुझे आपको पचारि यहपरको क्यों रेखा आपणकर अच्छी एरिया कौन हो उत्तर नातिशीतोष्ण मंडल एवं दक्षिण दिगरे दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल एवं उपरको आपणकर कौन रही हिममंडल उत्तर व उत्तर हिममंडल एवं तले कौन रही दक्षिण हिममंडल आई होप आप सब क्लीयर अच्छा ये सब आपणकर ओटेट सिलेबस रे मेंशन तो नहीं बट फिर भी आम चेस्ट करूँ कनसेप्टी आपको क्लीयर करने आपको बुझेबाक तो वर्तमान आम आज टॉपिक रे जहाँ अच्छे केवल से ही पढ़ा डिटेल्स आम क्लास रे पढ़ा तो यही पॉइंट यही इमेज रे आम जान लें कि इक्वेटर आमर साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका एवं आफ्रिका दे गति कर इक्वेटर
କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ଦୁଇଟି ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଏହାସହ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ନ କହିକି ଏସିଆ ଯଦି ମହାଦେଶ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛେ ତାହେଲେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ, ତ ଆମେ କହିବା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମକରକ୍ରାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏଠି ଯାହା ଅଛି କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ, ଏଇ ତିନୋଟି ମହାଦେଶ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଆପଣ ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହୁଏତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି ଦେଇପାରେ କାହା ଦେଇ ଗତି କରିନି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ପଚାରିପାରେ, କୌଣସି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ତ ନୁହଁ, ଏକ୍ଜାମିନର୍ ପଚାରି ଦେଇପାରନ୍ତି କି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମକର କ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ମହାଦେଶ ଦେଇ ଗତି କରିନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇପାରେ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଆଫ୍ରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଏଠି ଅଛି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ନା ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ଦେଇ ମାନେ ଏହି ଏରିଆ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ମକର କ୍ରାନ୍ତି ବା ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ଗତି କରି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ଟି ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ହୋଇଯିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏହିଟା ମକର କ୍ରାନ୍ତି ତ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଦେଇ ଯାଇନି ନା, କ'ଣ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତେବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳୁଛି ସେ ସବୁକୁ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରିବ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଭାରତ ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଭାରତ ଏସିଆର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଏବଂ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତର ଉତ୍ତରରେ ଅଛି, ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଭାରତ ପୃଥିବୀର କେତେତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ, ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମ୍ୟାପ୍ କରିବାକୁ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, 1 ମିନିଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଗତି କରିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତର କେତୋଟି ସ୍ଥାନ ଦେଇଯାଇଥିବ, ଆମର ଭାରତ ତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆପଣଙ୍କର ସେପରେଟେଡ଼ ହୋଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆପଣ ଏମିସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଯାଇଥିବ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଥିବ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ କୌଣସି ଦେଇ ଗତି କରିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିପାରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତର କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଅଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଏବଂ PDFରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଜୁରାଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଫୋର୍ଥ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ନମ୍ବରକୁ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଭାବି ନିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟ, ନା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଝାରଖଣ୍ଡ, ଝାରଖଣ୍ଡର ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି, ଝାରଖଣ୍ଡର ପାର୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ସେ ଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶ, କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଆମ ଭାରତର ନୁହଁ, ତେଣୁ ତାର ଏରିଆକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗଣତି କରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ମିଜୋରାମ, ଏହି 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତରେ ଗତି କରିଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇପାରେ
कर्कट क्रांति भारत निम्नलिखित केउं राज्य मानक देई कर्कट क्रांति गति करि पारे देथिबो एवं एही आठटी मधुर कोनोसी गोटी राज्य देथिबो एवं बाकी तीनोटी अलग राज्य देथिबो बा आपण को क्वेश्चन एमिति मध्य करि पारे निम्नलिखित राज्य गुडी को मध्यरु केउटी केउं राज्य देई कर्कट क्रांति गति करि नाही कर्कट क्रांति गति करि नाही तेबे मध्य आपण जदि ए आठटी जानिछंती ताले आपण लिखि दे पारिबे आंसर आपण लिखि दे पारिबे बुझि परले त आपण पुनी थरे मु आपण को शो करछि मन रखंतु कोन कोन ना 1 मिनिट फर्स्ट होछि आपणकर गुजरात देन सेकंड राजस्थान थर्ड मध्य प्रदेश एमपी फोर्थ छत्तीसगढ़ केउटी अछि ओडिसा रो पश्चिम रे अछि वेस्ट रे देन ओडिसा रो उत्तर रे थिबा झारखंड देन आपणकर 1 मिनिट मु कलर कलर कर दोछि डिफरेंट आपनको जाना पड़िबो देखंतु गुजरात देन राजस्थान देन मध्य प्रदेश अगेन छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल माने पश्चिम बंग देन यहाँ आपणकर त्रिपुरा एंड फाइनली मिजोरम 8 नंबर हो मिजोरम यही आठटी राज्य दे आपणकर कर्कट क्रांति गति कर देखु राजस्थान ये रहा बट तार किसी अंश दे से गति कर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा आपणकर कर्कट क्रांति तेणु राजस्थान मध्य आठटी मध्य जाऊँगी तो आप देखते क्वेश्चन के डीपली आपको पचारिदे पारे एटी देखु हाँ यही पिक्चरटा हूँ से पिक्चर जो आपको कही किसी देखेबी देखु समस्त लैटिट्यूड बा आपणकर द्राघिमा रेखा कौन हो गोटे पॉइंट जाशी जाऊँच जो पॉइंट रे समस्त द्राघिमा रेखा बा लैटिट्यूड मिसी जाती आम कह सुमेरु ताको कहिबा मेरु काहेकि ना सुमेरु माने होचे जेउटा उत्तर दिगरे मिसंती ठीक सही परि आपण जेमतेटी ऊपर पटे देखुचन तळ पटे मध्ये ठीक सही परि समस्त लैटिट्यूड एही परि भाबरे जायकी तळे थिबा दक्षिण दिगरे जेउ मेरु अछि सेठी मिस जांते एवं दक्षिण दिगरे जेउ मेरु अछि ताको आमे कहिबा कुमेरु बुझि परले ओके वर्तमान आमे एशिया विषय पढ़िले भारत अवस्थित विषय पढ़िले एवं यहसह देखु आपणकर आउ गोटे मध्य अच्छी कि भारत देखु भारत क्षेत्रफल तो मुझको कहली 3.28 न्यूत वर्ग किलोमीटर किंतु यार आउ गोटे डिटेल्स आपको पचारदे पारे कि ଉତ୍ତରରୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖ୍ୟାଂଶ ରେଖା ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାଂଶ ରେଖା ଅଛି ଉତ୍ତରରୁ ବା ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ୍ ଏହାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ତେବେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ନର୍ଥରୁ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ 3214 କ'ଣ କିଲୋମିଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଟୁ ସାଉଥ୍ ମାନେ ଉତ୍ତର ଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦୂରତା କେତେ ହୋଇଯିବ 3214 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆମର ଟପିକ୍ ହିଁ ଅଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡିଟେଲ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ଅସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଯେଉଁ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କ'ଣ ସ୍ଲିପିଂ ଲାଇନ୍ ସେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଆଖ୍ୟାଂଶ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଲାଇନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣଠୁ ଉତ୍ତରଠୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ୁଛି ସେ କ'ଣ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠୁ ଭାରତର ଦୂରତାଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ 3214 କିଲୋମିଟର ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ବା ପୂର୍ବଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଇଷ୍ଟ ଏହାର ଦୂରତାଟା କ'ଣ ରହିବ ଏହାର ଦୂରତା
तो स्लीपिंग लाइन बा पश्चिम रु पूर्वर दूरता रहिबा आपणकर 2933 किलोमीटर। ठीक अच्छे, बहुत इम्पोर्टेंट इनफर्मेसन मुझे आपणकर पूर्वर पश्चिम कलर चेंज कर दूछे, पूर्वर पश्चिम ए दूरता आप 2933 किलोमीटर एवं उत्तर रु दक्षिण भारत ए दूरता हूँ 3214 किलोमीटर। ठीक अच्छे, आई होप इनफर्मेसन आपण बेनिफिशियल रहा। नेक्स्ट चलन देखिबा, आमे एशिया महादेश देखिले। प्रथमे आमे पृथ्वीर समस्त महादेश महासागर देखिले। एशिया महादेश सबुठु बड़ महादेश बा आम भारत जो महादेश अच्छे आमे से विषय देखिले। नेक्स्ट आमे भारत महादेश विषय देखिले एवं अन्य गोटे छोट इनफर्मेसन आमे देखिदबा। देखंतु भारत महादेश भारत विषय रे ही देखंतु जो लैटिट्यूड आपणकर रही क्यों लैटिट्यूड मध्य आपणकर भारत अच्छे, गोटे मिनिट मुझे आपको देखा। देखु यहाँ आपणकर गोटे द्राघिमा रेखा एवं यह अन्य एक द्राघिमा रेखा, सेपरी यह अन्य एक द्राघिमा रेखा। आपण जानते आपणकर टोटल द्राघिमा रेखा केतोटी अच्छी, 360 लाटिट्यूड्स आर देयर। ठीक अच्छे, 360 द्राघिमा रेखा अच्छी एवं गोटे पाख को आउ गोटे पाख को आउ गोटे, यहीपरी भाव में द्राघिमा रेखा अच्छी। ता माने जेउठी आमर भारत आरंभ होई पश्चिम रु पूर्व पर्यंत ए दुईटी द्राघिमा रेखा आपणकर थिबो। से दुईटी द्राघिमा रेखा केते नंबर से द्राघिमा रेखा ताहा मध्य जानिबा आपणक पई इम्पोर्टेंट। माने आपण आई थिंक बुझी पारलेनि, देखंतु मु कहूछि एटा देखंतु देखंतु एहा होछि आपणकर पृथ्वी। एवं एही पृथ्वी रे एहा हेउछि आपणकर विषुव रेखा। ठीक अच्छे, एवं जेपरी भावरे सबुठु मझे थिबा विषुव रेखाटी सबुठु बड़ एवं याकु आमे केते डिग्री भावुछे धरि नैछे 0 डिग्री, ठीक सेही परी भावरे द्राघिमारे मध्य सबुठु मझे थिबा द्राघिमा रेखाकु आमे केते डिग्री धरि नबा 0 डिग्री ही धरि नबा, ए मझे 0 डिग्री ही धरि नबा। तेबे एहा हेउछि ईस्ट बा पूर्व दिग एवं एहा हेउछि वेस्ट बा पश्चिम दिग। एठु आपण देखंतु एही पट साइड्रे माने आपणकर डाहाण साइड्रे जो द्राघिमा रेखा रहिबो से होइजिबो 1 डिग्री ईस्ट। ठीक अच्छे, 0 परे कौन आस नंबर लाइन 1 डिग्री ईस्ट। ठीक सहीपरी आपणकर लेफ्ट साइड बा बाम पार्श्वरे बाम दिगरे बा वेस्ट साइड्रे जो द्राघिमा रेखा आसी सी भी होइजिबो 1 डिग्री किंतु वेस्ट। ठीक अच्छे, 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट। ठीक सहीपरी पुणी थरे ईस्ट दिगकु जिए थिबो सी कोन रहिजिबो 2 डिग्री ईस्ट एवं वेस्ट दिगरे जिए थिबो सी होइजिबो 2 डिग्री वेस्ट। एही परि भाबरे आमर समस्त द्राघिमा रेखा ईस्ट एवं वेस्ट मध्यरे बांटी होइ जाइछि। तेबे आमर ईस्ट पाखरे आसीछि 180 द्राघिमा रेखा एवं वेस्ट साइड रे मध्य आसीछि 180 द्राघिमा रेखा। टोटल आपणकर होइ जाउछि कि नै 360 द्राघिमा रेखा। तेबे मु एटा कहिबार कारण कोन देखंतु, जो भारत आमर रहिला एई भारत मध्य किछि गोटे द्राघिमा रेखा रु आरंभ होइछि एवं अन्य गोटे द्राघिमा रेखा रे सरिछि। देखंतु मु ड्राइंग केते भलो नै बट फिर भी मु ट्राय करूछि। देखंतु आमर भारत केउठी आसीछि, एठी आसीछि माने पूर्व पश्चिम रे भारतर स्थान जेउठी अछि शेष स्थान एवं पूर्व रे भारतर स्थान जेउठी अछि ए दुईटी जक दुईटी लेखाए आपणकर द्राघिमा रेखा को छुई। से द्राघिमा रेखा केते नंबर द्राघिमा रेखा माने केते डिग्री जहाँ मु आपणको बुझिली 1 डिग्री ईस्ट 1 डिग्री वेस्ट केते नंबर द्राघिमा रेखा ताहा आपणको मन रखिबाकु पडिबो। सो सेइथिपे मते एते सारा बुझेबाकु पडला, आई होप आपण माने बोर हे नथिबे। देखंतु तो आपणकर पश्चिम दिगरे जो द्राघिमा रेखाटी अच्छी जो द्राघिमा रेखा को पश्चिम दिगरे आम भारत छुई से हूँ 68 डिग्री ईस्ट। कहीं ईस्ट मुझे आपको कहीदे देखु
एक्जाक्ट केउठी आमर जीरो डिग्री द्राघिमा रेखा अच्छी एठी एवं इक्वेटर होचे एटा तेबे एही पटे जहाँ थी जो जो 180 डिग्री पर्यंत से सब कौन जीव ईस्ट जीव एवं बाम पार्श्वरे जहाँ थी 180 डिग्री पछ पर्यंत से जीव वेस्ट तेबे तेबे एही पाखटी जेपरी भावरे 1 डिग्री ईस्ट रहिबो तापरे 2 डिग्री ईस्ट 10 डिग्री ईस्ट ठीक सही परी भावरे 68 डिग्री ईस्ट एवं जहाँ आमर सर 97 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट ही कहिबा कहीं ना 1 डिग्री 2 डिग्री 100 डिग्री एमती 180 पर्यंत आसिले ही आमर ईस्ट सर ठीक अच्छे तापर कौन आरंभ हम वेस्ट साइड पछपटर आरंभ हम ताको आप गोटे बॉल कर फुटबॉल कर देखु ठीक अच्छे मुझे यहाँ विषय में कह भी आपन को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से पुणी गोटे बहुत भास्ट चैप्टर हो डिफरेंट क्लास तार एक्सप्लेनेशन दबा ताकू बुझाक चेस्टा करवा बर्तमान मुझे कहती से आस जाऊँ ठीक अच्छे तो आम भारत वेस्ट को जो द्राघिमा रेखा अच्छे से हूँ 68 ईस्ट डिग्री एवं पूर्वरे आपणकर जो द्राघिमा रेखा को पूर्व दिगरे भारत छुई से हूँ 97 डिग्री ईस्ट ठीक अच्छे 97 डिग्री पूर्व एवं 68 डिग्री पूर्व माने आम भारत तो आपको एग्जाम क्वेश्चन कौन पचारि पारे ना भारतर अवस्थिति केउं दुईटी द्राघिमा रेखा मध्य अच्छी आपण को दे थिबो 37 डिग्री ईस्ट टू 95 डिग्री ईस्ट एहीपरी भाव अन्य दुईटी किसी दे थिबो एवं आउ गोटे ठीक आपणकर आंसर टी दे थिबो कौन ना 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट तामने एहा हे जिवा आपणकर आंसर बुझिपारे कौन सी बिट बाय बिट मध्य आमको ओटेट पाई छाड़बार ना कहीं विश्वास करूँ बहुत डेप्थली क्वेश्चन पचारूँ मोडिफाई करके पचारूँ तो जब आप डिटेल्सटा जानते तो से क्वेश्चन मोडिफाई करले आम उपर कौन सी प्रॉब्लम पड़वानी आम आम प्रिपरेशन को भल कर चल 68 डिग्री ईस्ट रु 97 डिग्री ईस्ट पर्यंत आमर द्राघिमा रेखा मध्य भारत रही देन आप पचारे कि 82.5 डिग्री ईस्टा कौन देखो 68 डिग्री पर कौन आस 69 डिग्री ईस्ट 70 डिग्री ईस्ट 80, 81, 82 आस 82.5 डिग्री ईस्ट तेरे डिग्री ईस्ट रे जो स्थान दे जामर से स्थान विषय यहाँ कहीं पर क्लास बुझा बट मुदी समय अनुसार माने आमर जी आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय समय सूचक आम क्या माने 82.5 डिग्री ईस्ट को आम भारत समय सूचक रेखा बोली माने माने आमर जो 0 डिग्री द्राघिमा रेखा थी से ग्रीनविच लंडन ग्रीनविच दे गति कर 82.5 डिग्री दूरताटा के से दूरता अनुसार आमर समय गणना कराए ता मैंने आपको जदि एग्जाम बर्तमान पे मुझे ये बुझे दूचे आमर समय भारतर समय केउं द्राघिमा रेखा अनुसार निर्णय कराए जदि आपको पचारे से हम 82.5 डिग्री ईस्ट बा 82.5 डिग्री पूर्व क्लीयर तो आमर भारत जो दुईटी द्राघिमा रेखा मध्य अच्छी से हूँ 68 डिग्री ईस्ट बा 68 डिग्री पूर्व एवं 97 डिग्री पूर्व एवं जदि आपन को क्वेश्चन पचार क्यों द्राघिमा रेखा अनुसार भारत समय निर्धारण आमर एवं आप देखिए 5टा बाजि 8टा बाजि किपर बाजिला से समयटा किपर निर्धारण करागला 82.5 डिग्री ईस्ट को धरिकी बेस बोली धरागला सी आमर समयटा निर्धारण करागला किपर भाव में मु अनदर वीडियो रे आपनको बहुत भल से डिटेल्स बुझे तो आप वीडियोटा देखिले बुझीपर जिते बड़े आप क्लास अटेंड करेंगे नेक्स्ट देखु भारत विषय कंप्लीट सर वर्तमान आम देखा ओडिशा विषय ओडिशा भारतर पूर्व उपकूल एक राज्य देखी ओडिशा ये हूँ आपणकर ओडिशा एवं ओडिशार दिग जाणी पूर्व भारत दिग जाणीदा ईस्ट बा आपणकर पूर्व वेस्ट बा पश्चिम नॉर्थ बा उत्तर एवं साउथ बा दक्षिण ठीक अच्छे तेबे आपण देखिपारछंती जदि आमे डिवाइड करिबा ताहाले आपणकर
ଓଡ଼ିଶାଟା କେଉଁ ଦିଗରେ ଆସିଯାଉଛି? ଓଡ଼ିଶା ନାଇଁ, ଏମିତି ଡିଭାଇଡ଼ ବି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡିଭାଇଡ଼ ନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ କେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ, ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ତ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେଖିଲେ, ନର୍ଥ, ୱେଷ୍ଟ ଏବଂ ସାଉଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଓଡ଼ିଶାର ନର୍ଥରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଝାରଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଶାର ୱେଷ୍ଟରେ ମାନେ ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼। ଏବଂ ସାଉଥରେ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଯେହେତୁ ଓଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍, ସୋ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି, ଉତ୍ତରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖନ୍ତୁ, 155,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିଥିଲେ 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଠିକ୍ ସେହିପରି 155,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଆମର ଭାରତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ସୂଚନା ବା ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ PDFରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବୁ। ଏହା ସହ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବା ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାରତରେ ଆମର ଉପଦ୍ୱୀପ, ଏହି ସ୍ଥାନକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନକୁ ଭାରତର ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଆରବ ସାଗର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ପଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ମୁଁ କହିଲି ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ତଳକୁ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଭାରତ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହାର ଦକ୍ଷିଣକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସିଆନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ଏହି ଗ୍ଲୋବ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା, ପୁରା ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲି କ୍ଲିଅର୍ଲି ଦେଖାଯିବ। ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିଲେ କେବଳ ତା ତଳକୁ କିଛି ପାଣି ଅଂଶ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ଉଭୟ ତିନିପଟରୁ 1, 2 ଏବଂ ତଳକୁ 3 ତିନିପଟରୁ ପାଣି ଘେରି ରହିଥିବ, ସେ ଜଳରାଶି ଘେରି ରହିଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂଭାଗକୁ ଆମେ ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହିବା। ତ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ, ଦକ୍ଷିଣାଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଉପଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କହୁ। ତ ଏବଂ ଏହା ସହ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଏହି ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଇବୁ PDFରେ। ସୋ ଏହା ସହ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫିଜିକାଲଟା, ଡିଭିଜନଟା ଡିପ୍ଲି ପଢ଼ିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ପୁଣି ଏହା ଲାଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆର ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ, ଓକେ ମାନେ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ମାଳଭୂମି, ଲିପିଗଲା ମାଳଭୂମି ତା ତଳକୁ ଲାଗିଅଛି, ପୁଣି ମରୁଭୂମି, ଭାରତର ମରୁଭୂମି। ଭାରତର ଏହି ଅଂଶଟି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ପେନିନସୁଲାର ପ୍ଲେଟ୍ୟୁ ମନେ ଅଛି ନା, ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଛି ନା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଏଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ଏବଂ ଏଠି ଅଛି
ईस्टर्न घाट माने पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट अंचल यही सब विषय आम डिटेल्स क्लास पढ़ा ठीक अच्छे। आई होप आपन को क्लास आज इंटरेस्टिंग एवं इमेजेस द्वारा आपणकर नॉलेज परमानेंट हो पार कि ना कमेंट सेक्शन में निश्चय जनइबे। थैंक यू सो मच।